हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस का सलूशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 15 पार्ट का सलूशन देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड से सोल्यूशन देखते हैं। कहाँ से बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकेंड से क्या गिवेन है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ AF 2.01 वेयर AFx इक्वल टू गिवेन है। क्या गिवेन है बच्चों? 4x² + 5ax + 2 4x² + 5ax + 2। तो कैसे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू fx। y को कितने एज्यूम कर लेते हैं बच्चों? fx इक्वल टू 4x² + 5ax + 2। अब क्या करते हैं, x में डेल्टा x ऐड करते हैं, तो y में कितना ऐड हो जाएगा बच्चों? डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू f, f क्या लिखेंगे बच्चों? x प्लस डेल्टा x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा बच्चों? सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसका हम लोग fx इजीली फाइंड कर लेते हैं। f 2.01 में से हम लोग 2 को x ले लेते हैं, अगेन वेयर x इक्वल टू क्या इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं 2। तो अगर x 2 हो गया तो डेल्टा x क्या हो जाएगा बच्चों? 0.01 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 0.01। अब क्या करेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? dx ऑफ y इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 8x + 5 क्या आ जाए बच्चों? 8x + 5। और अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगा करके हम लोग डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि पहले इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा y फाइंड करते हैं, और दूसरे इक्वेशन के हेल्प से हम लोग जो वैल्यू गिवन रहता है उसको फाइंड करते हैं। सिंस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू dx ऑफ वाई, dx ऑफ क्या हो जाए बच्चों? वाई। तो यहाँ से डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स, dx ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों? dx ऑफ वाई कितना गिवेन है? dx ऑफ वाई गिवेन है 8x + 5। क्या गिवेन है? 8x + 5 इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू जो ऑब्टेंड होगी, 8 × x की वैल्यू कितना है? 2 + 5 × Δx की वैल्यू कितना है बच्चों? डेल्टा एक्स है 0.01। यह जब सॉल्व करेंगे तो 16 + 5 × 0.01 और ये कितना हो जाए बच्चों? 21 × 0.01 इक्वल्स टू 0.21 हो जाएगा। कितना हो जाए बच्चों? 0.21। तो अभी हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड किए? डेल्टा वाई की। किसकी वैल्यू बच्चों? डेल्टा वाई की। अब क्या फाइंड कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं सेकेंड इक्वेशन के हेल्प से F 2.01। क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। कहाँ से बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये वैल्यू हमको चाहिए। क्या लिख सकते हैं हम लोग? y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितना हम लोग एज्यूम किए थे? 4x² + 5x + 2 इंटू प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ। एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों? 2। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.01। कितना बच्चों? 0.01। यहाँ पे एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, 4 × 2² + 5 × 2 + 2 और डेल्टा वाई की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, 0.21 इक्वल टू एफ 2.01 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 × 10 + 2 + 0.21 इक्वल्स टू एफ 2.01। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 28.21 इक्वल टू एफ 2.01। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी ऑब्टेंड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या गिवेन है? इसको भी थर्ड नंबर क्वेश्चन गिवेन है हमें।
फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ. थर्ड नंबर क्वेश्चन गिवेन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 15. और हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बच्चों, यह 5.001. तो यह 5.001 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसको एज्यूम कर लेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवेन है 3 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 15. इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं. अब एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें डेल्टा एक्स ऐड करने पर इसमें डेल्टा वाई ऐड हो जाएगा, तो वाई प्लस डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. इसको कौन सा इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, सेकेंड. फ्रॉम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 5, वेयर एक्स इक्वल टू 5, और एक्स की वैल्यू अगर 5 हो जाएगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.00 क्या हो जाए बच्चों 1. अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे बच्चों, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 15. तो dx ऑफ y इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2x और प्लस 0. तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x. अब हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चों, सिंस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू dx ऑफ y, dx ऑफ क्या करेंगे बच्चों y. तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू dx ऑफ y इंटू डेल्टा x, इंटू क्या लिखेंगे बच्चों डेल्टा x, और dx ऑफ y इक्वल टू है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 14x, 3x स्क्वायर माइनस 14x इंटू डेल्टा x. यहाँ से 3, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, और डेल्टा x की वैल्यू कितना है 0.001, 0.001 सॉल्व करेंगे तो क्या ऑप्टेंड हो जाएगा यहाँ से, जब इसको फाइनली सॉल्व किया जाएगा तो 75 माइनस 70 0.001 इक्वल्स टू 5 इंटू 0.001 इक्वल्स टू 0.005 हो जाएगा. 0. क्या हो जाएगा बच्चों 0.05. तो अभी हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड किए, डेल्टा वाई की, किसकी वैल्यू बच्चों डेल्टा वाई की. अब किसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, अब हम लोग सीधे किस पे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड क्या बच्चों, इक्वेशन सेकेंड से लिखेंगे हम लोग y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. और y की वैल्यू जो गिवेन है x पे 3 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 15, और डेल्टा y की वैल्यू क्या बच्चों हम लोग फाइंड किए हैं, लास्ट में सब्सिट्यूट कर देंगे f, x की वैल्यू कितनी है 5, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.001. तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग पहले एज्यूम कर चुके थे 5, तो 5 पे 3 माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितना है 0.005 इक्वल्स टू एफ, ये क्या आ जाएगा 5.001, ये हो जाएगा 125 माइनस 175, ये 25 होगा माइनस प्लस, ये कितना आ जाए बच्चों 15 प्लस 0.005 इक्वल टू एफ 5.001. इसको सॉल्व करते हैं, माइनस अगर सब्सट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा माइनस 15 और माइनस 35 प्लस 0.005 इक्वल्स टू यह 5.001. इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस 34.995 हो जाएगा. क्या हो जाए बच्चों, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 34.995 हो जाएगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवेन है इसको भी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 गिवेन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी.
ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर काजेज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। क्यूब है कोई, क्या बच्चों क्यूब, इसका जो साइड लेंथ गिवेन है वह एक्स है, कितना है साइड लेंथ एक्स गिवेन है, एक्स एक्स और एक्स, तो वॉल्यूम कितना हो जाए इसका, वॉल्यूम वी इक्वल टू एक्स क्यूब, जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो साइड क्यूब है, जो साइड होता है उसका क्यूब होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जब इसमें डेल्टा वी ऐड करेंगे, गिवन क्या है, गिवन है में इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, साइड में 1 तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 इक्वल टू 1 गिवन है, क्या बच्चों 1 गिवन है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स बाय 100। डेल्टा एक्स अगर हम केवल फाइंड करें तो एक्स यहां पे चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, और हमें फाइंड क्या करें, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वी, केवल चेंज फाइंड करना है, वॉल्यूम नहीं, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम नहीं फाइंड करना है, हैंस हमें वी प्लस डेल्टा वी नहीं फाइंड करना है, केवल डेल्टा वी फाइंड करना है, केवल अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना है। अगर कहा था फाइंड अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आफ्टर चेंजिंग द साइड, तो हम लोग वी प्लस डेल्टा वी, अगर कहा था फाइंड अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आफ्टर चेंजिंग द साइड, तो हम लोग टोटल फाइंड करते, लेकिन वो केवल कह रहा है कि फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, तो केवल क्या फाइंड करेंगे बच्चों डेल्टा वी, तो क्या करते हैं इसमें वी ऐड करते हैं तो डेल्टा वी ऐड हो जाएगा। डेल्टा वी को हम लोग फाइंड करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स आ वी इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, डी डी एक्स या डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहां से हमें डी डी एक्स आ वी की वैल्यू फाइंड हो गया, तो हम लोग किसका फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन का यूज कर देते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और डेल्टा वी इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले वॉल्यूम हम लोग लिखे तो उसका डिफ्रेंशिएशन किए, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाया, जैसे हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई लिखते थे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी डी वी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वी लिखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वी इंटू डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना है 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है एक्स अपान 100, कितना बच्चो एक्स अपान 100, तो कितना हो जाएगा 3x पर क्यूब अपान 100 और 0.03 इंटू एक्स पर क्यूब, तो ये अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम नहीं होगा केवल चेंज इन वॉल्यूम है, हमको यही फाइंड करना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा बच्चों ये कौन सा था 4, 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवेन है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवेन है हमें, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर काजेज बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। यहाँ पे अगेन हमें क्यूब गिवेन है, क्या गिवेन है बच्चों क्यूब गिवेन है, और साइड लेंथ जो गिवेन है वह एक्स गिवेन है, एक्स एक्स एंड एक्स, यहाँ पे कह रहा है कि साइड अगर 1% से डिक्रीज हो जाए, हैंस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 डिक्रीज करेगा तो क्या लिखेंगे बच्चों -1, जब भी वैल्यू डिक्रीज करता है तो निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा -x/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों -x/100 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसका सरफेस एरिया लिख लेते हैं, तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है a = 6 × x², x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी डी एक्स ऑफ a = a कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या डेल्टा a अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ a, यहाँ से वैल्यू क्या ऑप्टेंड हो जाएगा बच्चों डेल्टा a इक्वल टू ऑप्टेंड हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ a इंटू डेल्टा x, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी गिवन है डी डी एक्स ऑफ a की वैल्यू -x/100
और इसकी वैल्यू कितना गिवेन है बच्चों, डी डी एक्स ऑफ ए की वैल्यू 12x गिवेन है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर अपॉन 100, डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस 0.12 इंटू एक्स स्क्वायर। निगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, हैंस सरफेस एरिया चेंज बाय या डिक्रीज में कितने डिक्रीज हो जाएगा, क्यों डिक्रीज लिख रहे हैं, क्योंकि निगेटिव साइन आ रहा है, कितना डिक्रीज करे बच्चों 0.12x स्क्वायर के इक्वल डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवेन है इसको भी देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवेन है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एट 7 मीटर विद एन एरर 0.02 मीटर, कह रहा है कोई स्फीयर है इसका रेडियस जो है वह आर 7 मीटर गिवेन है, आर कितना गिवेन है बच्चों 7 मीटर, और इसमें एरर गिवेन है लेकिन वो भी मीटर में गिवेन है, तो इसका मतलब डेल्टा आर गिवेन है 0.02 मीटर। परसेंटेज एरर देता तो क्या लिखते हम लोग, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, लेकिन यहाँ पे एरर मीटर में यूनिट दिया, इसका मतलब डेल्टा आर गिवेन है, क्या गिवेन है बच्चों डेल्टा आर। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम स्फीयर का होता है बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, आर के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी आर इंटू वी इक्वल टू 4/3 पाई डी डी आर ऑफ आर क्यूब, डी डी आर ऑफ आर क्यूब, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब को क्या लिखते हैं 3r² क्या लिखेंगे बच्चों 3r², तो डी डी आर आप भी इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा 4πr², क्या लिखेंगे बच्चों 4πr². अब अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू डी डी आर आप वी, तो यहाँ से डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों डी डी आर आप वी इंटू डेल्टा आर, और डी डी आर आप वी की वैल्यू कितना हम लोग ऑब्टेन किए 4πr², और डेल्टा आर की वैल्यू क्या गिवन है 0.02, और यहाँ पे आर की वैल्यू भी गिवन है कितना बच्चों 7, तो 4π की वैल्यू लिख देते हैं और इंटू 7² इंटू 0.02 सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 88 इंटू 7 इंटू 0.02 6 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 0.02, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो वॉल्यूम में चेंज होगा 12.32 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है इसका यूनिट क्या होगा बच्चों मीटर क्यूब होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अप्रोक्सीमेट चेंज पूछा था, क्यों क्या पूछा था बच्चों, फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में इतने का एरर हो जाएगा डेल्टा वी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, 7 क्या गिवन है बच्चों, गिवन है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एरर 0.03 मीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। अगेन हमें स्फीयर गिवेन है, क्या गिवेन है स्फीयर, इसकी रेडियस हमें गिवेन है कितना 9 मीटर, रेडियस गिवेन है 9 मीटर, और कह रहा है इसमें जो एरर है 0.03, डेल्टा आर इक्वल टू 0.03 मीटर गिवेन है, कितना गिवेन है 0.03 मीटर। सरफेस एरिया कितना होगा इसका, सरफेस एरिया ए इक्वल टू 4πr², किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बच्चों आर के रिस्पेक्ट में, तो डी डी आर ऑफ ए इक्वल टू 4π इंटू डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर, इसे लिखेंगे 4πr² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाए बच्चों 2r हो जाएगा, तो यहाँ से डी डी आर ऑफ ए इक्वल टू लिखेंगे 8πr, 8πr,
अगर इसको अब अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, अप्रोक्सीमेशन, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू डी डी आर ऑफ ए, डी डी आर ऑफ ए, और डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी आर ऑफ ए इंटू डेल्टा आर, और सभी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं, डी डी आर ऑफ ए की वैल्यू कितना गिवन है, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, 8 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना गिवन है हमें 9 मीटर, और डेल्टा आर की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, 0.03, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 72 पाई इंटू 0.03, अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पे दो प्लेस के बाद लग जाए, इतना मीटर स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्या गिवन इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है एफ एफ एक्स इक्वल टू, क्या है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू 3x² + 15x + 5, देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 3.02, कितनी की वैल्यू फाइंड करना है, एफ 3.02 इज, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x² + 15x + 5। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेल्टा x ऐड कर देते हैं, तो y में डेल्टा y ऐड हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब यहाँ से x की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 3, तो डेल्टा x क्या हो जाए बच्चों, 0.02, वेयर x इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x इक्वल टू 0.02, अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे बच्चों, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 6x + 15, 6x + क्या हो जाएगा, 15। अब हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू, सिंस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, डेल्टा वाई इक्वल टू ऑब्टेंड हो जाएगा, डेल्टा एक्स इधर कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स, और डी डी एक्स ऑफ वाई कितना गिवेन है, 6x + 15, तो डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा 6x + 15, कहाँ पे गिवेन है बच्चों, डी डी एक्स ऑफ वाई 6x + 15 इंटू डेल्टा, तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितना लिया है, 3 + 15, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.02, ये 18 हो जाएगा, प्लस 15 होगा, 0.02 होगा, ये 33 × 0.02 इक्वल टू 0.66, ये अभी हम लोग डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड किए हैं, इसका बच्चों डेल्टा वाई का, तो हम लोग सीधे कहाँ पर आएंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड पर, कहाँ पे बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकेंड पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से हम लोग क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x, और y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, y की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, y इक्वल टू क्या गिवन है, 3x² + 15x + 5 प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू हम लोग लिए थे यहाँ से 3, और डेल्टा x की वैल्यू कितना है, 0.02, अब x की वैल्यू यहाँ भी सब्सिट्यूट करते हैं, 3 × 3² + 15 × 3 + 5, और डेल्टा वाई की वैल्यू कितना है, 0.66 इक्वल टू एफ 3.02, कितना हो जाएगा, 827 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 0.66 इक्वल टू एफ 3.02, क्या हो जाएगा, 3.02, यहाँ से इसको इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 102, ए 5 ऐड करेंगे 107.66 इक्वल टू एफ 3.02, क्या हो जाएगा, 3.02, कौन सा हो जाएगा, इसमें वैल्यू जो होगा 3 × 15 × x, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है,
एक्स यू वैल्यू कितना बच्चों 3 है, तो ये हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से या 3.02। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, डी, कौन सा होगा डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्या गिवेन है। नाइन नंबर क्वेश्चन गिवेन है, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर। अगेन हमें क्यूब दिया है, इसका साइड कितना गिवेन है एक्स मीटर, कितना गिवेन है एक्स एक्स एंड एक्स। कह रहे कि वॉल्यूम में चेंज कितना परसेंट का होगा अगर इसका साइड 3% इंक्रीज कर दिया जाए, हैंस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू क्या गिवेन है 3। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 3x अपॉन 100, कितना हो जाए बच्चों 3x अपॉन 100। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है v इक्वल टू ax क्यूब। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, dx ऑफ v इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हैं, डेल्टा x डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इक्वल टू ddx ऑफ v, ddx ऑफ v, और डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा ddx ऑफ v इंटू डेल्टा x। यहाँ पे ddx ऑफ v की वैल्यू हमें कितना ऑप्टेंड हुआ है 3x स्क्वायर, डेल्टा x की वैल्यू कितना है 3x अपॉन 100। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9x क्यूब अपॉन 100, और डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 0.09x क्यूब। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों सी, कौन सा होगा सी ऑप्शन होगा।